अल्लाह पास पास आ जाए, मैं हु सिंगी आपको अकबर फिल अप कर रही हूँ, प्लीज। अल्लाह हु अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल के लेसन का थोड़ा सा रीकैप। कल के लेसन के अहम निकात क्या थे? नंबर वन, हमारी जिंदगी, हमारा वक्त दुनिया की हर दूसरी चीज से ज्यादा कीमती, लिहाजा इसकी कदर करना है। इसको किसके नाम करना है जिसने ये जिंदगी दी है, इसको उसी की राह में लगाना है। नंबर दो, इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी कमाना है, जिस जिंदगी में हमेशा रहना है उसे बनाना है, उसकी तामीर करना है, उसके लिए मेहनत करना है। फिर इस जिंदगी के अच्छे इख्तिताम यानी हुस्ने खात्मा की तमन्ना करना है और उसके लिए कोशिश भी करना है, दुआ भी करना है। इस काम के लिए जिंदगी से गैर अहम बातों को निकालना है, जिंदगी को जाया करने वाले हर अमर से बचना है, चाहे वो अपनी जात के अंदर है चाहे वो माहौल के अंदर है। अपनी इस्लाह के साथ साथ, अपनी तरक्की और अपनी ग्रूमिंग के साथ साथ दूसरों की, सबसे पहले अपने करीबी माहौल की और फिर आसपास के सारे माहौल की भी इस्लाह करनी है, क्योंकि हमारे बहुत से आमाल का दारोमदार हमारे आसपास के माहौल पर होता है। हम अपने माहौल की पैदावार होते हैं, माहौल हम पर असर अंदाज होता है। अगर हमारा माहौल अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे नहीं रह सकते। ये कैसे हो सकता है कि एक कढ़ाई में रंग डाल के उबालें, जैसे आपने अगर रंगरेज को देखा हो और उसमें वो कपड़ा डाल दे तो फिर कहें कि नहीं, इस पे तो रंग नहीं चढ़ेगा। जिन कपड़ों पर रंग नहीं चढ़ता उन पे भी क्या चढ़ जाता है, क्या होता है उनके साथ भी, कुछ ना कुछ रंग उन पे भी आ ही जाता है, पूरी तरह महफूज कुछ नहीं रहता। जो किसी रंग में डलता है वो रंग ले ही लेता है, और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसलिए माहौल की बेहतरी की कोशिश, अपनी इस्लाह के साथ दूसरों की इस्लाह की फिक्र भी। और इसका फायदा क्या होगा? अगर हम दूसरों की खैर चाहेंगे तो हमारी भलाई होगी। मजीद करने के कामों में से यह था कि जिंदगी को जरूरियात के अंदर रखना है, तायुशात से खुद को बचाना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है और अच्छी आदत इख्तियार करनी है। और इख्तिताम इस पर हुआ था कि आदत के बारे में आपको मजीद कुछ पढ़ना है। क्या आपने पढ़ा? क्या पढ़ा बताइए। गुड, इन्होंने हैबिट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि कंसिस्टेंसी जो है वो की पॉइंट है, यानी कि वो बहुत अहम चीज है जिससे हैबिट बनती है। ओके, कल के लेसन से मुतालिक और कोई बात आपने सोची, गौर व फिक्र किया, किसी नतीजे में पहुंचे, कुछ सीखा, कुछ सोचा, कुछ इरादा किया, एनीथिंग? आप बताइए। यस, लर्निंग होती ही वो है जो परमानेंट चेंज लेकर आए। आप एक साल कुरान मजीद पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें सुनते हैं, मानते हैं, ईमान लाते हैं, जानते हैं, कर नहीं पाते, और अगर करने लगते हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर छूट जाती है। एक चीज पकड़ते दूसरी छूट जाए, दूसरी पकड़ फिर कुछ और छूट जाता है। तो उस पर इस्तेकामत जो है वो इख्तियार करना जरूरी है। जी, गुड, जब किसी चीज को आदत बना लेते हैं तो फिर वो सबकॉन्शियस में आ जाता है और फिर हम बगैर किसी एफर्ट के करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा होता हैबिट का। तो बात ये है कि हमें अपनी आदत को बदलना है।
بری عادات کو ختم کرنا ہے اور اچھی عادات کو اپنانا ہے. اگر یہ طریقہ ہمیں نہیں آئے گا تو ہم جتنا چاہیں پڑھ لیں, جتنا چاہیں جان لیں, جتنا چاہیں متاثر ہو جائیں, لیکن ہماری عملی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی چیز مستقل مزاجی کے ساتھ ہم کرنے نہ لگ جائیں گے اور اس پر جم نہ جائیں گے اور اسے اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بنا کے اسے امپلیمنٹ نہیں کر لیں گے. کل ہم نے عافیت کے بارے میں پڑھا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کچھ کرنے کے لیے صحت کے ساتھ عافیت کی ضرورت ہے. تو کرنے کا کام کیا؟ اللہ سے عافیت مانگے. اور بہترین الفاظ عافیت کے کیا ہیں؟ جو آپ نے دعائیں یاد کر لی. اب یاد تو ہو گئی لیکن عادت کیسے بنے گی کہ چھٹے ہی نہ, مانگتے ہی چلے جائیں. کب مانگنی چاہیے؟ ہر روز صبح شام. ٹھیک ہے, اب بات کریں گے انشاءاللہ ہم آج کہ عادت بنتی کیسے. ٹھیک ہے. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عادت ہوتی کیا ہے؟ habit کیا ہوتی؟ عادت ہمارے معمولات, ہمارے اخلاق, کردار, جو جانے اور انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہماری شخصیت, مختلف کام کرنے کے طریقے, یعنی بیسیکلی ہمارا کیریکٹر ہے, ہمارا اخلاق ہے, ہم ہیں, ہماری شخصیت ہے. پھر عادت ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے جو ہمارے ذہن, جسم اور جذبات کو کنٹرول کرتی ہے. ذہن کو بھی کنٹرول کرتی, جسمانی حرکات کو اور ایموشنز کو, جیسے اینگر ہے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں. کچھ لوگ اپنا اینگر کنٹرول کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو عادت نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو سکھایا ہی نہیں کہ انہوں نے کس طرح بیہیو کرنا مختلف مواقع پر. کچھ لوگ اپنی نیند کنٹرول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ سوتے ہی چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی بھوک کنٹرول کر لیتے ہیں, اپنے کھانے کی عادات کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ جانوروں کی طرح کھائے چلے جاتے ہیں, وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. تو فرق ہے نا. تو اچھی عادات آپ کو اچھا انسان بننے میں, اور اگر کہیں کہ اچھا مسلمان بننے میں مدد دیتی ہیں, تو یہ ہمیں پھر اختیار کرنی ہوگی, عادات بنانی ہوگی, ان کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہر ایک کی شخصیت اور مزاج میں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی یا انہیریٹڈ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ماحول کے اثرات سے انکانشسلی, لاشعوری طور پر ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں ہمیں شعوری طور پر محنت, ایفرٹ اور مسلسل کوشش اور شعوری کوشش کے ساتھ اپنی شخصیت کا حصہ بنانی ہوتی, اور ایسا کرنا بالکل ممکن ہوتا ہے. خصوصی طور پر وہ چیزیں جن کا ہمیں دین نے حکم دیا, مثلا پانچ وقت کی نماز. جن لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کچھ مشکل ہی نہیں. لیکن اگر عادت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی مشکل ہے. اسی طرح باقی تمام چیزیں. تو ہمیں کن چیزوں کی عادات اور شعوری عادات بنانی ہے؟ نمبر ایک, جو ہم پر فرض کی گئی, فرض کے درجے میں, جن سے ہمارا چھٹکارا ہی نہیں, یعنی بحیثیت ایک مسلمان کے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مجھے عادت ہی نہیں, مجھے میرے ماں باپ نے عادت نہیں ڈالی, مجھے کسی نے کہا ہی نہیں, اب میں بڑی ہو چکی ہوں, اب میں نہیں کر سکتی. نہیں, وہ تو فرض ہے, تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کی تو پوچھ ہے, اس کے بارے میں تو سوال ہے, اس کے بارے میں تو حساب ہے. تو فرائض کی عادت, اس کے بعد جن چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه. قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے, ہل نہ سکے گا وہاں سے, یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری, اور پھر اس نے
अपने हासिल करदा इल्म पर अमल कितना किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अपने जिस्म को किन चीजों में पुराना किया। और दूसरी रिवायत में खुसूसन जवानी के बारे में आता है कि जवानी में उसकी हैबिट्स क्या थी, किस काम में लगाए, सबसे ज्यादा क्या किया इसमें। तो इस बारे में हमें तवज्जो देनी है। तो कौन से वो पांच सवाल जो पूछे जाएंगे? जिंदगी कहाँ गुजारी। तो गोया हमने पूरी अपनी जो ओवरऑल जिंदगी है उसको स्क्रीन करना है, उसको देखना है कि कहाँ गुजर रही है। और सिर्फ आज नहीं, कल भी, परसों भी। नंबर दो, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया, सब चीज को कवर कर देता है। अगला सवाल क्या है, माल कहाँ से हासिल किया, माल के बारे में हमारा एटीट्यूड क्या है, हलाल हराम के बारे में हम कितने कॉन्शियस हैं और उस पर कितनी नजर है हमारी। और अगर हम समझते हैं कि हम मेहनत का नहीं खा रहे या अपने काम के औकात को सही तौर पर नहीं पूरा कर रहे तो उस पर भी तवज्जो करनी। बाज लोग समझते हैं कि हम कुरान पढ़ लेते हैं, हदीस पढ़ लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, दुआएं पढ़ लेते हैं और बज़ाहिर लोगों से बातचीत करके उनको खुश कर लेते हैं तो बस हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन वो काम चोर होते हैं। जो काम उन्हें मिले, जो ड्यूटी मिले, जो जिम्मेदारी मिले, जो असाइनमेंट मिले, उसको कतन पूरा नहीं करते, ना उन्हें उसकी तरफ कोई तवज्जो होती, ना परवाह होती है। वजूहात कुछ भी हो सकती है, सुस्ती हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो, टाल मटोल की आदत हो, या उस चीज को अहमियत ना देना हो, या ये कि बस सिर्फ आदत है बस काम ना करने की। लेकिन बड़े खुश हैं कि हमने हिजाब भी कर लिया है, जिक्र की भी आदत हो गई, दुआएं भी याद हो गई, सूरतें भी याद हो गई हैं, नमाज भी अच्छी होगी, मगर माल के बारे में कोई परवाह नहीं कि ड्यूटी टाइम पर शुरू करते हैं या उसमें टाल मटोल करते हैं, या उसमें दिल ही नहीं लगता और इधर उधर बातें बातें करके वक्त गुजारते हैं, या एन ड्यूटी टाइम पर अपने पर्सनल काम कर रहे होते हैं जिनका करना गलत है। क्योंकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनसे इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि हम कहते नहीं बस यही जिंदगी मौत का मसला है, काम वाम सब छोड़ो, पहले अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करो। तो ये बिगड़ी हुई आते हैं, गलत आते हैं। हमें उस वक्त क्या करना है, कंट्रोल करना है अपने आप को, लेकिन सेल्फ कंट्रोल की आदत ही नहीं पड़ी हुई, पता ही नहीं अपने इस अंदर के जानवर को कैसे सीधा रखना है। लिहाजा कभी कोई चीज हम पे असर अंदाज हो जाती, कभी कोई असर अंदाज हो जाती, कभी किसी की तारीफ हो जाती, कभी किसी की तनकीद हो जाती, कभी कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती, कभी कोई, क्योंकि काम की आदत नहीं है, काम चोर है हम, और हमें खुद भी एहसास भी नहीं है कि हम काम चोर लोग हैं। तो काम की आदत डालनी, कहते हैं ना हड्डियों में काम नहीं पड़ा। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बचपन से माएं काम पे लगाती है, झाड़ू दो, बर्तन दो, फलां फलां, घर के काम खूब करवाते हैं। ऐसी लड़कियों के लिए आपने देखा होगा कि बड़े होकर कोई काम करना मुश्किल होता ही नहीं। क्यों, क्यों नहीं मुश्किल, आदत है, इतना किया है कि वो हड्डियों में ब्रज बस गया। और कुछ लोगों को छोटा सा काम कह दो तो उनकी जान पे बन जाती है और वो करते फिर क्या है, क्या करते हैं ऐसे लोग, इधर से उधर, उधर से उधर जान छुड़ाए, कभी किसी को कैसे बातों से बहलाएंगे, किसी को किसी तरह करेंगे और काम नहीं करेंगे जो उनको काम मिलेगा, आदत ही नहीं, कैसे करें। कुछ लोगों को जब रीडिंग की हैबिट बचपन से होती है, उनको बड़ी से बड़ी किताब दे दें, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं उसको पढ़ना, उसमें से लिखना निकालना। और कुछ लोग जिनको आदत ही नहीं है पढ़ने की, उनको अगर एक सफा भी पढ़ने के लिए दे दें तो वो इधर उधर की बातें करके टाल मटोल कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो असल मसला क्या है, एक तो बचपन से तरबियत ऐसी नहीं हुई, आदतें डाली नहीं गई। बिल्कुल इब्तदाई साल जो होते हैं ना, वो बच्चे के लाडों में जाया कर देते हैं, मेहनत की आदत नहीं डालते, उनसे काम लेते ही नहीं, काम करवाते ही नहीं, तो उनकी वो स्किल्स डेवलप ही नहीं होती। अब हम इसी गम में ना बैठे रहे कि हमारे माँ बाप ने हमारे से ज्यादती कर दी और हमारे अंदर ये आदत नहीं डाली, वो नहीं, अब वो गुजर गया, जो होना था हो गया। अब फोकस करें किस चीज पर, अब मुझे कौन सी आदतें अपने ऊपर हर सूरत में डालनी है, और उसमें उनकी खास तौर पर जिनके बारे में इसे सवाल किया जाएगा। हा? अच्छा, माल मेरी आमदनी का जरिया क्या है, कहाँ से आता है, और सिर्फ इतना नहीं, स्पेंडिंग की आदतें क्या है। कुछ लोग होते हैं इंतहा फजूल खर्च, आदत है उनको शॉपिंग की, बस जरूरत है या नहीं, उन्होंने बस खरीदारी करनी है, ख्वाहिशात उन पे गालिब है, उनकी बस यही आदत है, जब पैसा आया बस निकल पड़े, कुछ ना कुछ ऊटपटांग खरीद लिया, फिर उससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, हमने कुछ कर लिया। कंपल्सर बायर्स जो होते हैं, तो खर्च पर भी चेक है, इसका भी सवाल होना है, कहाँ स्पेंड किया, वाकई जरूरत थी उसकी। और इसीलिए आप देखें कि हमारी शादियों पर जितना स्पेंड होता है उसका आधा भी हम अल्लाह की राह में सर्फ नहीं करते,
और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। बहुत से लोग कुरान पढ़ भी जाते हैं, पढ़ाने भी लगते हैं, लेकिन जब ऐसे मरहले आते हैं वो फिसल जाते हैं, लमलेट हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें कोई तमीज नहीं रहती कि इसराफ क्या है और हकीकी खर्च क्या है, कितना करना है और कितना नहीं करना। क्यों? किस चीज से मजबूर है? वो एक अंदर ख्वाहिश है ना, वो सीधी नहीं हुई, कंट्रोल ही नहीं हुई, वो बहुत सारी और आदतों के बीच में छुपी रही, लेकिन जब एक ऐसा मौका है वो सब कुछ खुल गया। इसी तरह मौत की रस्में, फौतगी, लोगों के प्रेशर्स, उनको टैकल करने की आदत ही नहीं, पता ही नहीं, कंट्रोल करना ही नहीं आता कि कहां किस जगह बंद बांधना है कि बस नो मोर। नतीजा क्या होता है? जो ही ऐसा कोई मरहला आता है, हम खानदान के हाथों मजबूर है, इसके हाथों, उसके हाथों, सबसे बड़े अपने नफ्स के हाथों, इसको सीधा किया ही नहीं, आदत ही नहीं है कंट्रोल करने की, और प्रेशर लेने की आदत नहीं है। ये भी आदत डालनी पड़ेगी कि प्रेशर्स कैसे लेने हैं। जब कोई आपको गलत काम पे मजबूर कर रहा हो तो उसका मुकाबला कैसे करना है? कोई मुश्किल आ गई है तो उसका मुकाबला कैसे करना है? बहुत से लोगों को इसका तरीका नहीं आता। नतीजा क्या होता है? दीन पर अमल नहीं कर सकते। मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए हो ही नहीं सकता। तो इसको भी सीखना है हमें कि किसी मौके पर अल्लाह की हुदूद तोड़ी जा रही हो तो मुझे कहां डट के खड़े होना है और किस तरीके से लेना है, और अपने आसपास और माहौल को किस तरह मैंने एक हद के अंदर भी रखना है। इसी तरह बाज बच्चे स्पॉइल्ड होते हैं, बचपन से इतने लाड प्यार, अब उसका नुकसान क्या है? जब बड़े होते हैं तो हालत क्या होती है? अकेले नहीं रह सकते, कोई काम खुद से नहीं कर सकते, अकेले चलना नहीं आता, किसी से बात करना नहीं आते, किसी को फेस करना नहीं आता। अब क्या इसी तरह ही जिंदगी गुजरेगी? सारी जिंदगी टिमिड और शाय और पीछे ही पीछे, कुछ नहीं करना, दीन की खिदमत कैसे होगी? अल्लाह की बात आगे बढ़ के कैसे किसी को बताएंगे? बात करने के मौके पर हक कैसे बयान कर सकेंगे अगर अपनी इस आदत से छुटकारा ना पाया? हया अपनी जगह होती, लेकिन ये टिमिडनेस और अंडर कॉन्फिडेंस होना, तो हमें ये भी जानना है हमारे अंदर कौन सी अच्छी आते हैं और कौन सी बुरी आते हैं, इनका एक हमें खुद बहुत रियलिस्टिक एनालिसिस करना है। अपनी खूबियों और खामियों को हमसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हम दूसरों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम खुद अपने ऊपर गवाह हैं। हम खुद जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं। उसके बाद जिस्म के बारे में सवाल किया जाएगा, उसे किस चीज में पुराना किया, यानी जिस्म के मुख्तलिफ आजा जो हैं वो किस काम में कमजोर हुए। मसलन नजर कमजोर हुई तो कहां हुई, क्या हम बता सकते? हम में से जितने भी लोगों की नजर कमजोर है समेत मेरे, बता सकते हैं कहां कमजोर हुई? क्या पढ़ पढ़ के, क्या कर करके, किस चीज में लगा लगा के? इसी तरह बाकी आजा हैं, अगर वो बिगड़े, अगर वो काम नहीं कर रहे या डिसफंक्शनल है तो वाई, कहां से आती की हमने अपने आप पर? क्या ईटिंग हैबिट्स खराब है, स्लीपिंग हैबिट्स गलत है, एक्सरसाइज की हैबिट्स ठीक नहीं, कहां गलती है? तो हम सबको अपना अपना मुहासबा करना है। तो अपनी आदत और अपनी शख्सियत और अपना वो हिसाब जो कल होने वाला, उसको आज दुनिया में करना होगा। तब इन्ना सलाती व नुसुकी के बाद व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन होगा। अच्छा खात्मा चाहता है तो अच्छी जिंदगी गुजारनी होगी, अच्छी आदत डेवलप करनी होगी। कल एक किसी ने बहुत खूबसूरत बात लिख के भेजी और मैंने रात उस पर अमल भी किया कि मैं हर रोज रात को सोने से पहले कलमा पढ़ के सोती हूँ, क्योंकि नहीं पता कि सुबह उठ सकूंगी या नहीं। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसको हकीकी मानों में इस बात पर यकीन हो कि सुबह हो तो शाम का इंतजार ना करो, शाम हो तो सुबह का इंतजार ना करो। हम में से कितने लोग ये अमल करते हैं? कुछ भी नहीं, बस वो एक रूटीन में जो दुआएं पढ़नी पड़ी, कम अज कम मैं तो आज तक नहीं कर रही थी, ये किशोरी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सो। नींद भी तो मौत की बहन होती है ना, कि मौत के मुंह में ही एक तरह से जा रही हूँ। कुरान मजीद में आपने पढ़ा ना कि इंसान कब उठता है, अल्लाह रूह भेजता तो उठता है ना, नहीं तो एक रूह तो जा ही रही होती है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं शौरी तौर पर इस चीज पर। तो हमें अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आदात का जायजा लेना है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जो आज है ना हम यही कल होंगे, तो क्या इन्हीं आदतों के साथ जन्नत में चले जाएंगे? ये वहां जाके ऑटोमेटिकली खुद बखुद ही चेंज हो जाएंगी? इनको यहां तब्दील करना पड़ेगा, इसके लिए यहां मेहनत करनी होगी, यहां कोशिश करनी होगी। तो अपना अपना फैसला करें कि क्या वाकई हम चाहते हैं आदतें चेंज करना। क्या आप अपनी कुछ आदतों से तंग हैं
तंग है कि अपने आप को इतना जस्टिफाई करते हैं कि हर चीज मेरी ठीक है, बस कोई गुंजाइश नहीं इस्लाह की, मत बताओ मुझे। चलिए अपने अपने पास छुपा के, वो जैसे बचपन में ना, मुझे याद है जब पेपर को छुपा के यूं लिखते थे ना, ऐसे करके छुपा के लिखे मैं अपनी किस आदत से तंग हूं, क्योंकि उस पर वर्क करना होगा ना आपको, और फिर उसको माइंड में रख के फिर अगले मैं जो बोलूंगी वो सुनना होगा। किस आदत से तंग हूं, अपनी कौन सी आदत या आदतें, ये भी हो सकता है एक से ज्यादा भी, कि जो आप वाकई चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपके अंदर से निकल जाए वो, इससे छुटकारा हो जाए तो बाकी खैर के दरवाजे रास्ते मेरे लिए खुल जाए। अब फिर वापस पलट पलट के उसमें जा गिरते हैं, फिर उसी में जा गिरते हैं, फिर उसी में जा गिरते हैं, क्योंकि 90% हमारी सोचें, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस, हमारी गैर शौरी आदत का नतीजा होती है, जो माहौल के असर से इधर उधर से खुद ही बन चुकी होती है और हमें पता ही नहीं होता कि बन चुकी है। अचानक हमें इंकशाफ होता, अच्छा मेरे भी ये आदत भी है, खुद नहीं हमने बनाई होती। यानी दो तरह की होती हैं आदतें, एक हम खुद बनाते हैं और एक लोग बना देते हैं हमारी आदतें, यानी माहौल हमें बना देता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे बाजू का जो एक्शन करते हैं ना, हाथ उठाने का, रखने का, वो बहुत रिजेंबल कर रहा होता पेरेंट्स के उससे, तो कहां से ले लिया उन्होंने। इवन स्माइल करने का अंदाज, इवन सर हिलाने का, नॉड करने का, सब कुछ कहां से ले चुके होते हैं। इवन देखने का शबाहत आने लगती है ना, वो रंग चढ़ा हुआ होता है, वो खुशबू लगी हुई होती है माहौल की, अच्छे या बुरे जिस माहौल में भी हम रहते हैं। और हम बाज़ुकत किसी को इजाजत भी नहीं देते कि कोई हमें बताए कि हमें गलत आदत पड़ चुकी है, एक फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं। तो पहले तो आपको खुद फैसला करना है कि भी छोड़नी है आदत। कर लिया आपने, लिख लिया, लिख लिया, चलिए ठीक है। और ये भी याद रखिए कि जो हमारी आदतें होती हैं वो हमारी बहुत सी सोचों को, जज्बात को, और हमारे बहुत से कामों को डायरेक्ट कर रही होती है। यानी हम सोच के जाते हैं कि एक काम करेंगे, आगे जाते हैं तो वो मुहर्रिक आ जाता है या एक स्टिमुलस आ जाता है, और हम वो जो सोच के जा रहे थे वो छोड़ के रस्ते में ही, और फिर वो करने लगते हैं जो हमारी आदत होती है। मसलन को बताएगा कैसे कैसे आदत हम पे गालिब आती है, हमारी नीयत पर भी गालिब आ जाती है आदत। मसलन यहां से आप आज सोच के जाते हैं कि घर जाते ही मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज करने हैं, यानी कि यूनिफॉर्म चेंज करना है। हमें बचपन में यही सिखाया गया था कि एंटर होते ही बैग जगह पर रख के पहला काम यूनिफॉर्म चेंज, घर में यूनिफॉर्म नहीं। और वो इतनी आदत पड़ी कि अभी अंदर जाते ही अनकॉन्शियसली पहले यानी चेंज करते हैं, लगता है कि सब कुछ मुश्किल है, आदत पड़ गई है ना, अच्छी है ये बुरी आदत पड़ गई, ठीक है। अब मसलन आपको इसकी आदत नहीं, आप शाम तक यूनिफॉर्म में घूमते हैं घर जाके, फिर वो गंदा हो जाता है, फिर अगले दिन वही पहन आते हैं कि अब तो सूरज भी नहीं, कैसे सूखेगा, वही कर ले, फिर अगले दिन स्मेली आ जाते हैं, साफ नहीं होते, कपड़ों पे दाग शाक लगे होते हैं। हुआ क्या, मसलन आप एंटर हुए तो आपको खाने की खुशबू आई, ये खाने की खुशबू क्या थी, स्टिमुलस था, उसने आपको भुलवा दिया क्या आपका हो इरादा या नियत या ख्याल। कुछ चीजों को देखते हमें अचानक गुस्सा आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने अहद किया था कि आइंदा ऐसे बोलना नहीं है, चीखना नहीं है बच्चों के साथ, लेकिन उनको उस हाल उस एक्शन में देखते ही भूल गए हम सब कुछ, होता है ना ऐसे हम सबके साथ। तो ये जो हमारी आदतें या जो हमारी शख्सियत बन चुकी है ना, या नेचर एक तरह से, चाहे सही उस पे या गलत पे, वो हमें डायरेक्ट कर रही होती है, अब ये करो, अब ये करो। मसलन अगर किसी को हर वक्त बदगुमान होने की आदत है ना, ये मनफी सोच, नेगेटिव थिंकिंग कह ले, तो वो कोई अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, तो पहले वो उसको टेढ़ी नजर से देखेगा कि ये लगता है इसका कोई मतलब है, कोई खराबी है इसमें, फिर तो उसको कर करके ठीक करना पड़ता है कि नहीं लोग अच्छे हैं, क्यों तुम उन्हें हर वक्त बुराई समझोगे। देखो हमारा लेंस होता है ना, वो एक उस लेंस को बदलने की जरूरत होती है। बाद लोगों की नजर कमजोर भी होती है तो सुस्ती के मारे अनक भी तब्दील करते, हुलिया खराब कर लेंगे मगर वो नहीं तब्दील करते। तो बाज़ुकत वो हमारे जो लेंसेज है ना, वो हमारे मुंह पे त्योरियां ले आते हैं, हमारे शख्सियत को बुरा कर रहे होते हैं, मगर फिर भी हम उनको तब्दील नहीं करते। हम अपनी थिंकिंग हैबिट, हम अपनी देखने की आदत को बिल्कुल तब्दील नहीं करते। तो इन तब्दीलियों के लिए पक्के इरादे की जरूरत है, और हैबिट ब्रेकिंग और फिर हैबिट फॉर्मेशन की जरूरत है। कुछ आदतों को तोड़ना होगा, और तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर उसके बाद कुछ आदतों को डालना होगा।
किसी ने कहा था कि आदात जो है वो बेहतरीन ताबेदार और बदतरीन निगरान है, यानी कि इंसान को फायदा भी देती हैं और इंसान के लिए मुश्किल भी करती हैं। और फिर ये कि दिन में हम बहुत सारी बातें सोचते भी हैं, समझते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन किससे मजबूर हो जाते हैं? आदतों से। कहते हैं ना, फलां आदत से मजबूर है, उसने तो करना ही यही है। वाकई वो आदतें हमें मजबूर कर देती हैं और हम उसके आगे पड़ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो इस मजबूरी को खत्म करना है, यानी हम किसी चीज से मजबूर नहीं है। इससे कि आदतें हमें कंट्रोल कर लें, हमें क्या करना है? आदतों को कंट्रोल करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज सोच होती। इंसान जब सोचता है तो वो सोच एक्शन बनती। अगर सोचेंगे नहीं तो अमल की तरफ भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए पहली चीज है कि हमें सोचना होगा कि कौन सी आदत हमने छोड़नी, कौन सी इख्तियार करनी, तब आप अगला कदम उठाएंगे। और फिर अगर वो अमल करेंगे और मुसलसल करेंगे तो आदत बन जाएगी वो। ठीक है, और अच्छी आदतों का मजमुआ ही अच्छा अखलाक होता है। राइट, अच्छी आदतों का मजमुआ अच्छा अखलाक होता है। अच्छा अखलाक ये नहीं होता कि टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए कहीं एक आर्टिफिशियल हॉल चढ़ा के स्माइल भी ले आए, जरा से अच्छे भी बन गए और जिस वक्त वहां से हटे तो सारा हॉल उतार के एक तरफ रख दिया, फिर असली निकल आए। तो क्या इसको अल्लाह ताला के यहाँ अच्छे अखलाक का दर्जा मिलेगा? ये जो हॉल चढ़ाया था हमने फिर उतार दिया। हम बाहर पब्लिक में होते हैं, हॉल चढ़ा लेते हैं, घर आते हैं जैसे हिजाब उतारते हैं तो खौल भी उतार देते हैं और फिर हम असली बन जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। हमने क्या बनना है? अंदर बाहर एक ही रहना है, कुछ भी हो हमने वही रहना है, खौल नहीं चढ़ाना। क्योंकि इस खौल चढ़ाने में भी एक मुसीबत है, यानी एक एफर्ट है बिला वजह की और एक मुनाफकत है, दो रंगी है। तो अगर ये अंदर सही चीज रासिख हो गई ना तो फिर वो हमारी बेहतरीन निगरान बन जाएगी हमारी आदतें और हमें वो उस तरफ जाने नहीं देगी। ठीक है, और जब हमारा अखलाक वाकई अच्छा हो जाएगा तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और जब जिंदगी अच्छी हो जाएगी तो हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी आखिरत की बेहतरी का इन्हिसार किस पर है? हमारी अच्छी जिंदगी पर। अच्छी जिंदगी का इन्हिसार किस पर है? अच्छे अखलाक पर। और अच्छा अखलाक कहाँ से बनेगा? अच्छी आदात से, और अच्छी आदात मुसलसल अमल से, और मुसलसल अमल शुरू कहाँ से होगा? सोच से। अब इसका एक आप गोल दायरा बना ले, सर्कल बना ले, चार्ट बना ले, कुछ बना ले, लेकिन ये कि ये किए बगैर आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। राइट, क्योंकि अक्सर शादियां जो मोहब्बत की भी होती क्यों नाकाम होती हैं? वो आप अपना आप नहीं होते, वो आपने खौल चढ़ाया होता है और फिर शादी के बाद आप रियल सेल्फ हो जाते हैं। तो वो इतना बड़ा कंट्रास्ट दूसरे के लिए नाकाबले बर्दाश्त होता है, ताल्लुकात निभाई नहीं जा सकते। नहीं, हर एज में आदत बदली जा सकती, ये यकीन रखे आप। वो एक हदीस सुनी होगी आपने, पढ़ी होगी, कोई ये कहे कि पहाड़ टल जाए तो वो मान लो, मगर कोई कहे आदत बदल गई तो ये ना मानो। इसकी तहकीक की है, ये ज़ईफ हदीस है, तो इसलिए तसल्ली रखिए कि ठीक है, पहाड़ टलने जैसी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहाड़ ना टले। बिल्कुल, अब आपने एक दिन डिसीजन लिया कि मैंने रोज कलमा पढ़ना। अगर आपने कोई एक टाइम मुकर्रर नहीं किया या आपने उसको कॉन्शियसली दोहराया नहीं कई दिन तक, इसको तो होगा क्या? वो जो कल हमने बात सुनी उसका असर कम हो जाएगा, वो किस्सा भूल जाएगा, वो फिर जो हमने एक दो दिन काम किया उस दिन के बाद छूट जाएगा। तो अब क्या करना है हमें कि वाकई अगर हमें इसकी इम्पोर्टेंस का यकीन हो गया कि करना ही करना है, तो फिर हमें अब या तो कहीं लिख के लगाना होगा या कोई स्टिमुलस रखना होगा ताकि फिर हम इसको भूले नहीं। गुड,
बिल्कुल, यानी हमारी बुरी आदतें कितनी भी पक्की हों लेकिन उनको तोड़ने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो सब आसान हो जाएगा, राइट। अब यह है कि आदत जो है ना वो दो तरह की होती है, ये दो हिस्सों में आप उनको बांट सकते हैं। कुछ वो होती हैं जो हमारी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती हैं, यानी जो हमारी ख्वाहिशात से मुतल्लिक होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे आइंदा के अंदेशों से मुतल्लिक और फिक्र अफकार से मुतल्लिक, यानी आप यूं कहें कि फ्यूचर से मुतल्लिक हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारी ख्वाहिशात में से एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है लंबी उम्र, यवद्दु अहदुहुम लो युअम्मर अल्फ सनत। अच्छा, जब किसी की यह ख्वाहिश होती है तो उसके लिए वो कौन सी आदत इख्तियार करता है और उसके लिए कितनी मेहनत करता है? हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, परहेज। जब डॉक्टर कह देते हैं ना कि शुगर आपको नहीं खानी या फलां फूड नहीं खानी वरना आप हलाक हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करते हैं? कितनी भी बड़ी ख्वाहिश हो लेकिन उसको छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जिनको ये होता है कि हम मर ना जाएं, सबको ही होता है लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ये चीज बहुत ज्यादा होती, तो उनकी पूरी जिंदगी किसके गिर्द रिवॉल्व कर रही होती, हर चीज उनकी सेहत ओरिएंटेड होती है, पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। अब किसी को पता चला कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आपको क्या करना होगा? लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। वो करते हैं, वो करते हैं, ना चाहते हुए करते हैं। मसलन अगर आपको कोई चीज बहुत ही पसंद है तो आप सोचते हैं मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकती, मर जाऊंगी इसके बगैर, लेकिन अगर डॉक्टर कह दे कि नहीं ये आपको नहीं खाना तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं खाते, क्योंकि आपको जिंदगी ज्यादा अजीज है किससे? उस चीज से। अभी यही बात मुझे लाइफस्टाइल से याद है कि हस्बैंड से जो है ना अक्सर मेरी होती थी कि आपके लिए अच्छा होगा आप मस्जिद जाके पढ़े ना नमाज, तो वो कहते हैं हाँ आज कर लूंगा कल कर लूंगा। ऐसे परसों से ये हो रहा था कि वो बीपी अपना चेक कर रहे थे तो वो हाई था, तो उनकी मदर भी डॉक्टर है तो कहने लगी कि तुम जो है ना जरा वॉक ज्यादा किया करो, तो उस पर फिर उन्होंने ये शुरू कर दिया कि वो मस्जिद वॉक करके जा रहे हैं। लेकिन वो ट्रिगर जो है वो चीज बनी कि ही वाज वेरी अपसेट कि उनका कैसे बीपी हाई हो गया इतनी यंग एज में। बिल्कुल, यानी कुछ चीजों को हम टालते रहते, लेकिन जब पता चलता है कि वो जिंदगी लेने वाली है तो फिर हम होश में आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि कुछ लोगों के लिए माल एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है कि पैसा कमाना है, लेकिन दूसरी तरफ उनको सोने की भी आदत होती है, तो क्या चीज किस पे गालिब आती है? एक तरफ माल की मोहब्बत है, दूसरी तरफ नींद की मोहब्बत है, कौन सी मोहब्बत किस मोहब्बत पे गालिब आएगी? अब उनको हैबिट पड़ चुकी है ज्यादा सोने की, तो अब वो करेंगे क्या? आदत बदलेंगे ना, आदत तोड़ेंगे ना, नींद कम करेंगे ना। जब उनको ये एहसास हो गया, यकीन आ गया कि ज्यादा माल हासिल करने के लिए नींद कम करनी पड़ेगी, इसी तरह जिस शख्स को यकीन या ईमान हो गया कि मुझे जन्नत हासिल करने के लिए भी नींद कम करनी है और वक्त पर नमाजें पढ़नी है, सुबह वक्त पर उठना है, तो फिर वो अपनी आदत तब्दील करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो ये जो हमारी ख्वाहिशात, हमारे बिलीव्स, हमारे गोल्स या जो हमारे मकासद होते हैं वो आदत को तब्दील करने में मदद देते हैं। इसी तरह कुछ अंदेशे, अंदेशों में मसलन किस चीज का खौफ सबसे ज्यादा होता है? मौत का। तो मौत का खौफ हमें किस चीज से बचाता है? हम अनकॉन्शियसली वैसे बिजली को जाके हाथ नहीं लगाएंगे, जानते और अनजाने हर हाल में उससे बचेंगे। बच्चे को जब एक जगह किसी जगह से करंट लग जाता है कुछ, तो दोबारा फिर क्या करता है? पीछे हटने लगता है। जब वो उसके करीब जाता है तो वो पीछे हट जाता है। तो अंदेशे जो होते हैं वो भी आदत को तोड़ने या बनाने दोनों में मददगार होते हैं। तो एक तरफ ख्वाहिशात, उम्मीदें, और दूसरी तरफ अंदेशे, इन दो चीजों के गिर्द आदत जो है रिवॉल्व करती है या बनती है या खत्म होती है। अब आप देखिए कि एक तहकीक के मुताबिक किसी आदत की बुनियाद खत्म करने के लिए 21 दिन का वक्त दरकार है, 3 वीक्स लगते हैं। यानी किसी बुरी आदत को मसलन खत्म करना है आपने, और अच्छी आदत अपनाने के लिए 30 दिन दरकार है, 30 डेज। अब इसमें आप देखिए कि जैसे रमजान 30 डेज यानी एक महीने का होता है,
तो वो पूरी हमारे साल भर में खाने पीने की आदत, सोने की आदत को रेगुलेट कर देता है, राइट? तो अब हमें करने के दो काम हैं, क्या? एक है बुरी आदतों को खत्म करना और दूसरा है अच्छी आदतों को इख्तियार करना। मसलन आज से आपने आफियत की दुआ मांगनी है ना, तो हर रोज कैलेंडर पे मार्क करके 30 डेज सुबह शाम आफियत की दुआ पढ़े, उसके बाद क्या हो जाएगा, आदत बन जाएगी। आपको फिर एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, आपको कोई चेक मार्क नहीं लगाना पड़ेगा कि ओ अच्छा मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ दिन तक आपको ये करना पड़ेगा। तो तीन अहम बातें जो कल मैंने शुरू की थी, उनमें से पहली चीज थी, एक है जो मुहर्रिक होता है, ये ट्रिगर होता है, दूसरा है फिर उसकी रूटीन या उसमें तसलसल, और तीसरा फिर ये है कि कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी आदतें बनाने में हमारे लिए मददगार होते हैं। ठीक है, सात ऐसी चीजें लिख लीजिए जो आपको एक हैबिट के मेक या ब्रेक करने में मददगार होंगी। 7 स्टेप्स टू ब्रेक और मेक द हैबिट। करना क्या है आपने, लाह अमल क्या है? सबसे पहले तो अपनी आदत को पहचानना, उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है कि अपनी उन आदतों के बारे में लिखें जिनसे आप सख्त तंग है खुद ही या दूसरे तंग है उनकी वजह से, और फिर वो अखलाक या आदत या टारगेट्स लिख लें कि जिनको आप इख्तियार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है, अपने आप को पहचाने कि मैं ईमान, इबादत, अखलाक और किरदार के किस दर्जे पर हूं। और जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा, जितना रियलिस्टिक होगा, जितना हकीकत पसंदी पर मबनी होगा, उतना ही ज्यादा फिर आप अपनी बेहतर तौर पर इस्लाह कर सकेंगे। उसके लिए आपको अपना मुहासबा करना होगा। मुहासबा कैसे करेंगे? ये एनालाइज करना होगा कि मेरी एक बुरी आदत किस चीज को नुकसान दे रही है, इसका नतीजा कहाँ जाके पड़ रहा है, यानी मैं क्या हासिल कर रही हूं उसके बदले। मसलन अगर आपको सोने की आदत है, एक्स्ट्रा सोने की आदत, जरूर से ज्यादा सोने की आदत, तो अब मुहासबा कैसे करेंगे? पहचान लिया ना, और पहचानने के लिए क्या करना होगा, फिर आपको एनालाइज भी साथ करना होगा कि मसलन ज्यादा सोने से क्या नुकसान हुआ। कोई आपको कुछ भी ना कहे, ना आपकी अम्मा कुछ कहती है, ना कोई टीचर, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं, आप अपने ओन पर हैं। तो अब आपको खुद अपने लिए करना होगा कि अब मैं इतना जो सोई हूं, नमाज फजर मैंने कजा कर दी, इसका नुकसान क्या हुआ, या मैं लेट उठी हूं तो उसका नतीजा क्या हुआ, मेरे अजकार मुतासर हुए, मेरी एक्सरसाइज मुतासर हुई, फुला और फुला चीज उसमें नुकसान हुआ। तो फिर आप पीछे जाके देखेंगे कि मैं क्यों लेट सोई थी, क्यों देर तक सोती रही, क्यों जायद सोई, उसकी रीजन क्या है। तो ये सारा आपको एनालाइज करना होगा, यानी अपनी हैबिट को इस एतबार से देखना होगा कि उनके असरात कहां तक जा रहे हैं। आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपकी अज़दवाजी जिंदगी पे असरअंदाज हो रही होती हैं, कुछ आदतें आपकी दीगर रिलेशनशिप्स पे असरअंदाज हो रही होती हैं, बस आपको चीखने चिल्लाने की आदत है या कोई और बदतमीजी करने की आदत है, तो उससे आपके रिलेशनशिप मुतासर हो रहे हैं। कुछ आदतें इंसान की जॉब्स के लिए रिस्क होती हैं, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, किसी जॉब पर कोई उन्हें रखना पसंद नहीं करता, हाँ वो कितने ही काबिल क्यों ना हो, क्योंकि उनकी कुछ आदतें, मसलन अहद की पाबंदी ना करना, या मसलन झूठ बोलना, या मसलन अमानत का पास ना रखना, या कोई कमिटमेंट ना करना किसी चीज, तो ये तमाम चीजें क्या करती हैं, माली मामलात पर असरअंदाज हो जाती हैं बाज़ुकात। फिर इसी तरह एक और चीज अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप अपने आसपास के लोगों से पूछें, कुछ चीजें तो खुद ढूंढ लें, कुछ अपने दोस्तों से पूछें, अच्छा मेरी बुरी आदतें बताएं। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैंने 2 बड़े फुल्स के पेजेस भरे थे अपनी बुरी आदतें खुद ढूंढ के लिखने के और आसपास के लोगों से पूछ के लिखने के, क्योंकि हम जरूरत ही नहीं करते किसी से पूछे भी हमारी कौन सी आदत बुरी है। इतनी बड़ी लिस्ट बनी, बिलीव मी, आपको भी अगर अपने साथ प्यार है तो ये करना पड़ेगा कि अपने आसपास के करीबी साथियों से पूछे और उनको इजाजत दे दें कि सच बोलने, क्योंकि हम उनको सच बोलने की इजाजत नहीं देते ना बाज़ुकात। घर वाले, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अपने घर वालों से पूछे, क्योंकि वो सच बोलेंगे, उनको आपका डर नहीं, दोस्तों को फिर डर होता है कि दोस्ती चली जाएगी अगर सच बोला तो, ठीक है ना। घर वाले से पूछे वो क्या कहते हैं आपके बारे में, बहनों से पूछें, छोटों से पूछें, बड़ों से पूछें, शौहर से पूछें, बच्चों से पूछें, माँ बाप से पूछें, बहन भाइयों से पूछें, वो क्या कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें ठीक ना भी हो, लेकिन बहुत सी ठीक भी होंगी। फिर आप कुछ रोल मॉडल्स को अपने सामने रख के देखें कि उनके अंदर क्या खूबियां जो मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। आप जिसको भी रोल मॉडल अपना बनाए,
मसलन अपने फादर को, मसलन अपने टीचर को, किसी को, और सबसे बड़े रोल मॉडल तो हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने बेटे को सुबह गीबत के बारे में पढ़ा रही थी आज, और फिर ताना देना, वैलुल्लि कुल्लि हुमजत लुमजत पे मैं बात कर रही थी उससे, तो कहने लगा अगर किसी को जोक में कह दें, तो मैंने कहा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोक में किसी को ऐसी बातें सुनाएंगे? तो वहां से देखो कि जो आपने नहीं किया वो हमारे लिए किसी भी सूरत अच्छा नहीं। हम जस्टिफाई ना करें, क्योंकि बाज़ों को हम कहते हैं आई वाज किडिंग, बस मैं तो मजाक ही कर रहा था, तो तुमने माइंड क्यों किया, और उस करते करते अच्छा भला हर्ट कर जाते हैं दूसरे को। ये भी कुछ लोगों की बुरी आदत होती है ना, हंसी मजाक में दूसरों को जलील करना, और इसको हम कहते हैं तो हंसी मजाक है, दिल खुश कर रहे हैं, हालांकि वो दिल तोड़ रहे होते हैं, वो पता नहीं चलता। तो फिर असल रोल मॉडल क्या है हमारे लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसी भी अपनी आदत को जस्टिफाई करने लगे तो फौरन सोचें कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो ये करते? नहीं करते, मुझे भी नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए बेहतरीन नमूना वो है। मुझे अपने अंदर से हैबिट निकालनी, ये आदत निकालनी। फिर इसी तरह यह है कि अच्छी किताबें, अच्छी चीजें आपके लिए आईना बन जाएंगी। मसलन कुरान मजीद आप पढ़ते हैं तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? आईना बन जाता है, उसके मुताबिक आप अपने आप को परखते रहते हैं, यानी कुरान और सुन्नत का मुताला जो है। और इस काम के लिए रिटन एक्सरसाइज कीजिए, जबानी कलामी बातों से नहीं बात बनेगी। कोई अपनी डायरी बनाइए और उस पर लिखिए, अपने साथ खुद रेजोल्यूशन बनाइए, ये चीजें जो है वो मुझे अपने से दूर करनी। दूसरी बात यह कि जब आप रेजोल्यूशन बना लें तो अब आपके जो टारगेट्स हों वो बहुत मजबूत हों, कि ये करके छोड़ना, हर कीमत पर करना मुझे। बस झूठ बोलने की आदत है और मजाक में झूठ बोलने की आदत पड़ गई आपको कहीं से, और आपको यकायक एहसास हुआ, खुद हुआ या किसी ने दिलाया, कोई भी जो आपने मेथड डिवाइस किए अपनी आदतों को जांचने के या अपनी शख्सियत को परखने के, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि फिर अपने साथ अहद करें, ये हटानी है आदत मुझे, मुझे देर तक सोने की आदत छोड़नी है, फजर में बरकत है मुझे फजर के वक्त जागना है, मसलन मुझे पेप्सी छोड़ना है, मुझे फला फूड छोड़ना है, मुझे डॉक्टर या हकीम ने बताया ये आपके लिए नुकसानदेह तो मुझे अब उसको छोड़ना है, जंक फूड छोड़ना है मसलन, उसके बरक्स सब्जियां खाना है, पानी पीना है, फजर के वक्त जागना है, और इसी तरह अगर रीडिंग की आदत नहीं मसलन तो रीडिंग की आदत डालनी है। आपकी जिंदगी में आपको क्या दरकार है, वक्त पर नहीं पहुंची तो वक्त पे पहुंचना है, मसलन कोई भी चीज जिससे आप तंग हैं और आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, तो उसको अनडू करने के लिए अपनी इस आदत को तोड़ना है और इसकी जगह ये आदत लाना है। बहुत सारी चीजें इकट्ठी ना कर लीजिए क्योंकि शायद एक भी ना कर सके, फिर उसमें फिर प्रायोरिटाइज कर लें कि सबसे ऊपर कौन सी, और हो सकता है वो की पॉइंट और वो कर लें तो सारा कुछ नीचे ठीक हो जाए, ये भी बाज़ुकत होता है। ठीक है, तो कोई एक या दो चीजें कर ले, मसलन आपको बेवजह लोगों से इरिटेशन होती तो मैंने अपनी इस आदत पर कंट्रोल करना है। ठीक है, तो कैसे करना है उसके तरीके फिर आगे आएंगे, लेकिन जो चीज आपके सब चीजों में खलल डाल देती है, आपके बड़े बड़े मकासद पे पानी फेर देती है, आपकी सारी एनर्जी को खत्म कर देती है, आपकी सारी जहानत को जाया कर देती है, वो कौन सी चीज है? उसको तो हटा के ही दम लेना है, ताकि मैं इस जिंदगी को अल्लाह की नजर कर। कभी मैं सोचती हूँ हम बड़े बड़े दावे करते हैं, महया या ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जिस किस्म की बेकार फजूल जिंदगी हम गुजार रहे हैं, क्या अल्लाह को चाहिए ये? सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी अल्लाह को पसंद है जो हम कहते हैं मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए? जरा इस स्टेटमेंट पर गौर करें, ये दे रही है अल्लाह को ऐसी नमाज, ऐसी आदतें, ऐसा अखलाक, ऐसा दीन का काम जो भी मैं कर रही हूं, तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है। ठीक है, तो गोल सेटिंग कीजिए, राइट। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो हमने पहले ये बात की थी कि इस कोर्स के अंदर देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ इनवर्ड लुकिंग, and sometimes it comes at a cost, sometimes it's not the comfort zone jisme hum rehne ke aadi hote hain, hame apne aap se difficult question karne aur apne aap ko push karna, because koi aur nahi karega mere aur aapke sath, hum sabko apne liye khud ye zimmedari leni hai
कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ज़रा शुरू करते हैं, मुख्तसर तरीके आप आपके रिफ्लेक्शंस और क्या हम करना चाहते हैं, थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी भी क्लास के अंदर करते हैं ताकि लेट्स ट्राई टू जॉट डाउन बिफोर वी गेट अप फ्रॉम दिस यू नो आफ्टर दिस डिस्कशन वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स कि जिसमें हम यू नो क्या अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक तक के लिए, एक तरह का कि एक लाए अमल सामने आ जाए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ब्रॉडली देखा जाए जो आज की डिस्कशन है आदात के ऊपर है, ठीक है, कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे उनको बाद दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाती हैं, उनको कैसे चेंज किया जाए, और फ़राइज़ के बारे में, तो अभी हम एक्स्ट्रा या वॉलंटरी या उन चीज़ों पे अभी हम बात नहीं कर रहे, लेट्स जस्ट बी फिक्स्ड ऑन फ़राइज़। आप किन दो मेजर कैटेगरीज में अपने फ़राइज़ को डिवाइड कर सकते हैं? एक अल्लाह के हुकूक़ हैं हमारे ज़िम्मे और बंदों के हुकूक़ हैं। और इससे पहले कह लीजिए या इसके साइड बाय साइड अपने भी हुकूक़ हैं, यानी कि मेरी लाइफ मेरी नहीं है, अमानत है अल्लाह ताला की, तो जिस्म है, कैपेबिलिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनकी मैंने क्या हिफाजत करनी है, क्या मैंने उनका ख्याल करना है, इस चीज़ को भी इंशाल्लाह ताला हमने जहन में रखना है। और लेट्स लुक एट अ बिट ऑफ एट हुकूक अल्लाह एंड हुकूक इबाद। सो लेट्स ट्राई टू हैव, आपके पास अगर पीस ऑफ पेपर है और पेंसिल है तो लेट्स स्टार्ट जॉटिंग डाउन, दो कॉलम्स बना लेते हैं अपने पास इंशाल्लाह ताला, एंड लेट्स ट्राई टू राइट डाउन कि हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद में क्या चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर ही चाहती हूँ कि जिन पे मैंने काम करना है, और उन चीज़ों में अपने फ़राइज़ में बेहतरी लानी है, ठीक है, क्या करने के काम है। फॉर एग्जांपल हुकूक अल्लाह में सबसे पहली चीज़ आप क्या लिख सकते हैं? नमाज, है ना, नमाज बेहतर करनी है। आई थिंक हम सब का ऑलवेज का ये मसला है, हम सब इसके लिए तड़पते हैं, और अब हमने उसको ज़रा सा जॉट डाउन करके क्लियर अपना एक लायमल तय करना है, और इसी तरह अब आप लिखते जाइए। सो आई विल गिव यू मे बी लाइक अ मिनट, मिनट एंड अ हाफ, थोड़ा सा लिखिए और फिर इंशाल्लाह वी विल रिकूपरेट, और मैं आपसे पूछूंगी और अपना भी शेयर करूंगी कि हम क्या कह रहे हैं। हुकूक इबाद में लिख लीजिए कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें का पर्सनल हो यू डोंट हैव टू शेयर ऑफ कोर्स, लेकिन आप अपने पास चंद मोटे मोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं या किन के हुकूक आपके ज़िम्मा हैं बंदों में से जो कि आपको फुलफ़िल करने हैं, और उनमें आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। थोड़ा सा एक रफ सा स्केच कर लेते हैं, जस्ट वेरी ब्रीफ, वेरी जनरल एट दिस पॉइंट। क्या ख्याल है, हम वापस आ सकते हैं? और अब इंशाल्लाह जो हमने लिखा है उसमें से ये रिफ्लेक्शन करनी है कि क्या मैं हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद से मुतालिक फ़राइज़ अदा करती हूँ, ठीक है, और अगर कहीं कमी हो रही है तो कहाँ है वो कमी और क्या कमी है वो, ठीक है। तभी तक हमने लिखा कि हाँ हमारे ज़िम्मे कुछ हुकूक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज हमने हुकूक अल्लाह में पहली चीज़ लिखी, तो क्या कमी हो रही है, किस तरह की कमी हो रही है, क्या सिर्फ फ़र्ज पढ़ के उठ जाती हूँ, या फिर टाइम डिले हो रहा है, या फिर क्वालिटी में कुछ फ़र्क है, या फिर खुशू में बहुत डिफरेंस है, या फिर समथिंग, या फिर तहारत का उससे पहले एहतमाम, नहीं समथिंग जो हम सब से कुछ भी रिलेटेड है, या फोकस नहीं हो पाता, वो चीज़ एक्सक्यूज मी, वो चीज़ की जो कमी है उसको ज़रा सा जहन में ले आई कि कहाँ कमी है और कैसे मैंने उसको इंशाल्लाह फिक्स करना है। ये बहुत ही एक रफ सा स्केच है, आपके पास पहली ये चीज़ आ गई, अब इंशाल्लाह इस पे आप और जाके इस पे थिंक करेंगे और सोचेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस के जिम्मे, यानी किसके हुकूक मेरे जिम्मा है, और मैंने किस चीज़ पे किस तरह से इनके ऊपर काम करना है और किस तरह से उसको फिक्स करना है बेसिकली, ठीक है। कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं अभी तक कि आपको लग रहा है कि उस कमी को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ है कि जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, if you are comfortable enough to share, जी सिस्टर नासरा। अव्वल में पढ़ नहीं सकती हूँ,
मतलब कि ऐसा मसरूफ होती हूँ कि वो वक्त भूल ही जाती हूँ, घर में आवाज आ रही है अजान की लेकिन उठ नहीं पाती हूँ, तो इस पर कंट्रोल करना है। बिल्कुल। And I just want कि जो भी participate करे, I just want to commend you. I know this takes a lot of bravery to say कि आप क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं, and it's totally completely up to you. इसीलिए आप इसको personally note down भी कर सकते हैं, अगर आप comfortable enough feel करते हैं, you're more than welcome to share कि आपको लगता है कि दूसरे भी उससे एक motivation उनको मिलेगी या उनकी सोच का एक दरवाज़ा खुलेगा. But yes, sometimes वाकई ऐसे होता है जैसे सिस्टर नासरा ने कहा कि हम लोग struggle करते हैं चीज़ों के मामले में, और जब तक के बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे ट्रीट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है. जी सिस्टम होना हुकूक अल्लाह के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज जो पिछले कुछ सालों में बेहतर हुई वो ये थी कि जहन में शुरू से एक चीज थी ना कि इशा की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आदत थी लेट पढ़ने की, तो मेरी ये आदत बनी हुई थी कि मैं इशा की नमाज मेरी लेट हो जाती थी और फिर वो उसका वो एहसास भी नहीं रहा कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो रही है, और लेट होने की वजह से क्या होता था कि फिर वो सारी थकन और वो डिफरेंट फैक्टर्स सब ऊपर आ जाते थे, तो वो नमाज डेफिनेटली मुतासर होती थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे बच्चों को जजाए खैर दे बहुत इस चीज के लिए और उन्हें नमाज का पाबंद रखे कि वो अपने बाबा के साथ जब नमाज पढ़ा करते थे जमात में तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि आए आप भी ज्वाइन करें, आप भी ज्वाइन करें. और मैंने कहा कि अच्छा मुझे अभी ये करना है, मुझे ये करना है, मैं पढ़ लूंगी, आप लोग पढ़ लें. तो उनके फोर्स करने से और फिर मैंने खुद अपना ये एनालिसिस किया और अपने आप को बांधा इस चीज के लिए कि नो आई हैव टू लीव एवरी सिंगल थिंग एंड आई हैव टू स्टैंड बिहाइंड देम. तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये चीज हुई कि अब मैंने अपने आप को अभी भी स्टिल आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि नहीं इशा की अजान होगी और मैंने नमाज पढ़ लेनी है. बाद में ठीक है मैं आराम से जब सोने लगूंगी तब मैं कुछ और उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लूंगी, नफिल पढ़ लूंगी, कुछ कर लूंगी. तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा एक फायदा हुआ कि इशा की नमाज अब पूरी अजान के साथ अल्लाह का शुक्र है हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह. और अपने आप की आदत चेंज करने के हवाले से भी मैं एक बहुत पर्सनल चीज है लेकिन मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी कि जैसे कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ ना, तो बस ऐसी चीज थी आदत बचपन से कि मैं खाना भी उल्टे हाथ से खाती थी. और इसके लिए बहुत पेरेंट्स ने बहुत समझाया, प्यार से भी समझाया, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन मेरी वो आदत गई नहीं. लेकिन जब मैंने थोड़ा सा जब शऊर आया और जब मेरे नज़र से या मेरे कानों से ये हदीस गुजरी नबी सल्लम की के जिस शख्स के लिए आपने कहा था कि सीधे हाथ से खाओ तो उसने कहा कि मैं नहीं खा सकता, तो उसको नबी सल्लम ने एक तरह से ये कहा कि अब तुम कभी नहीं खा सकोगे, तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ. तो इस चीज़ ने फिर मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया, अल्लाह ताला ने शायद वही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रखा था कि फिर मैंने अपने आप को बांधा कि नहीं मुझे खाना है. और मुझे मुश्किल होती थी बहुत, वैसे जब हाथ से अगर खाएं तो सीधे हाथ यूज करती थी लेकिन जब स्पून यूज कर रही होती थी तो फिर लेफ्ट हैंड में ही स्पून जाता था. लेकिन फिर मैंने अपने आप को बांधा अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती रही. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत फिर खत्म हो गई. और फिर मैंने साथ में ये भी दुआ की कि या अल्लाह मुझे ये भी एक चीज आप अता कीजिए कि मैं अगर किसी को बाएं हाथ से खाता हुआ देखूं तो मेरे अंदर ये हिम्मत आए और मैं उसको वहां पे बता दूं ये चीज और आप फिर उसको बदल दें. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हुआ मेरे साथ कि कई महफिलों में कई जगह पे मैंने किसी को अगर देखा बाएं हाथ से खाते हुए तो मैं गई उनके पास, उनको मैंने प्यार से समझाया. और एक खातून तो उन्होंने उसी वक्त अपना स्पून राइट हैंड में पकड़ा और उन्होंने कहा आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई ना. तो ये अल्लाह ताला से वाकई दुआ जो है ना हमारा अल्लाह ताला से एक बेहतरीन कनेक्शन है छोटी से छोटी चीज के लिए भी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए. जमात ने बात की ना हकूक अल्लाह और हकूक अल-इबाद, तो कि कहाँ कमी हो रही है, तो मुझे ये ख्याल आया कि अच्छा हकूक अल्लाह हैं क्या क्या, हकूक अल-इबाद क्या हैं. तो ऐसे लग रहा कि जैसे ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि हकूक अल्लाह हैं क्या और हकूक अल-इबाद क्या हैं. और इससे मुझे ये इस चीज़ का इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ कि पहले हमें अपने दीन को अच्छे तरीके से जानना होगा, फिर हम अपनी आदतें संवार सकेंगे. अब उस पर मोना ने भी एम्फसाइज़ किया कि अगर उन्हें ये हदीस ना पता होती, कि बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने जब उनको, मैंने भी कई एक दो लोगों को कहा कि आप उल्टे हाथ से नहीं खाइए, लेकिन क्योंकि उन्होंने हदीस को उस नज़र से नहीं देखा हुआ था, शायद हदीस भी कोट की लेकिन उन्होंने उसको उस तरह से समझा हुआ नहीं था, उस तरह से देखा हुआ नहीं था जिस तरह मोना ने,
तो वो उन्होंने इस कोशिश को पसे पुश डाल दिया कि ठीक है, अब हम अल्लाह ने हमें लेफ्ट हैंडेड बनाया तो हम तो खा रहे हैं, तो फिर क्या हर्ज है, अल्लाह बख्शने वाला है। तो इसको जानने के लिए कि क्या अल्लाह के हकूक हैं और क्या बंदों के, खास तौर पे बंदों के हकूक, जो मुझे पर्सनली मुझे लग रहा था कि अच्छा मैंने तो कभी शायद किसी के हक में कमी नहीं की, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसके लिए पहले ये पहचानना जरूरी है। की हैं या उसका बेड रॉक हैं कि वो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम आगे कुछ भी कर सकें। ये एक छोटा सा जो साइकिल है, उस्ताद ने मेंशन भी किया था, आप चाहें तो उसको नोट भी अपने पास कर लीजिए। सो दिस इज़ लाइक हाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग, या दिस इज़ हाउ बेसिकली जो एक अल्लाह करे विशेष साइकिल ना हो, लेकिन समटाइम्स इट बिकम्स विशेष साइकिल जब हम उस चीज़ को नहीं करते, वो एक ही उसमें हम फंसे हुए होते हैं एक रट के अंदर। बट हाउ एवरीथिंग हैपन्स, सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फ्राम सोच के साथ। सोच क्या आ रही है मेरे जहन में, ख्याल किस चीज़ का है, या मैं करना क्या चाह रही हूँ, और यहाँ से चीज़ बिगिन करती है। अच्छी हो या बुरी सोच दोनों तरह से हो सकती है, ठीक है, अच्छी भी सोच आ सकती है, बुरी भी सोच आ सकती है। हाँ, उसके ऊपर जब हम एक तरह से एडमेंट होते हैं या उसको इख्तियार करते हैं और उस पर जमना शुरू हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी सोच आदत बनना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर सोच ये आई, या फिर सोच के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज बेस्ड सोच है, यानी आपको पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराया करते थे, साहबा कहते हैं जब हमें देखते थे हमें देख के मुस्कुराते थे, तो आपने ये प्लान किया कि अच्छा अब मैं इसको जो है अपनी आदत के अंदर लेके आऊँगी। तो आप कहते हैं कि अब मैं जिस किसी को देखूंगी, यानी कि किसी ऐसी सेटिंग में कि जहाँ अतराफ में मेरे लोग हैं, तो मैं आउट ऑफ फुलफिलिंग दैट सुनना क्या करूँगी, मैं लोगों को देख के मुस्कुराऊँगी, अपने वो जो पथरीले से तासुरात हैं और मैं नरमी लाऊंगी, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ फॉर सम पीपल वेरी हार्ड एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। तो ये एक हैबिट जब मैंने सोचा कि अब मैं इसे अडॉप्ट करूंगी, जब मैं उसे करने लग जाती हूँ तो क्या होगा, वो जब दूसरे आप कहीं से गुजरेंगे तो आप उसके पहचाने जाएंगे कि ये तो बहुत मुस्कुराती है, जैसे कि सहाबा नबी सल्लम को कोट कर रहे थे, क्योंकि नबी सल्लम की वो आदत थी, तो वो क्या बन जाएगी, इट्स गोइंग टू टर्न इन टू अखलाक, अब वो मेरे अखलाक या मेरी पर्सनैलिटी का या मेरी अच्छी चीज़ों का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी। और फिर जब मैं ऐसे करूँगी तो मैं क्या सिर्फ सेलेक्टिव होंगी इस मामले में, जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको ही देख के मुस्कुराऊँगी, जिनसे मेरी बन रही है मैं उनको देख के ही मुस्कुराऊँगी, या मैं जनरली उनसे भी मुस्कुरा के बात करने की हिम्मत कर ही डालूंगी जिन्होंने मुझे हर्ट किया था या जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुँचाई, और मैं बर्दाश्त से काम लेते हुए ये पार कर ही लूँगी, ओवरकम कर लूँगी, जब्त से काम लूँगी और स्टिल मुस्कुराऊंगी, बिकॉज वो मुस्कुराहट सेलेक्टिव नहीं है नाउ, सो नाउ इट्स गोना बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। जो कि मैं जैसे उस्तादा क्या कही थी कि हॉल नहीं चढ़ाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तदब्बुर के स्टूडेंट्स को सूरह अहज़ाब अगर याद आ रही है तो उसमें एक चीज़ बहुत दफातिया होती है, सिद्क, सच्चाई, यानी और आपने अपने आप से सच्चा होना और अपने आप को अंदर बाहर से एक करना, और इंशाल्लाह इस पर हम मजीद भी देखेंगे। तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इवेंचुअली दैट बिकम्स इंशाल्लाह आखिरत पे जैसे मैं स्टेप इन या आप स्टेप इन करेंगे तो उसी सारी एक पर्सनालिटी और जो कंडीशनिंग हमने अपने आप की है अल्लाह ताला की मदद के साथ, वो हमारा सारा हिस्सा बन जाएगी और उसी पे फिर मामला तय होंगे, उसी पे फिर सारा हिसाब किताब होगा कि हमने ज़िंदगी कैसे जीती। सो दिस इज़ लाइक अ लिटिल सिनोप्सिस या लिटिल एक समरी की तरह है कि हाउ चीज़ें बन रही होती हैं या बिगड़ रही होती हैं और कैसे इन पे काम करने की ज़रूरत है। अब नाउ देयर इज़ अनदर स्मॉल एक्टिविटी, और इस पर उस्तादा ने बहुत एम्फेसिस किया था, और ये वही है जो आखिर में एक पॉइंट मेंशन किया था कि जिसमें हमने दो स्टेप में इसको काम करना है, ठीक है। नंबर वन स्टेप ये है मैं मुना आप कुछ कहना चाह रहा हूँ बिफोर वी स्टार्ट। जी नहीं, मैं थोड़ा इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि मैं ये देख रही थी कि जितना जिस तरह उस्तादा बता रही हैं कि हमें सीरा को देखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, तो मुझे ये लग रहा है कि अच्छी आदत अपनाने के लिए जो है हमें शौरी तौर पे ज़िंदगी गुजारनी होगी, यानी कि ऑटो पे नहीं रहना होगा कि बस जो हो रहा है हो रहा है, बल्कि हमें सोच के करना होगा कि हमारा अमल किस रुख पे जा रहा है। तो ये मुझे लग रहा है। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर एडिंग दिस रिमाइंडर। अल्लाह ताला हम सबको शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और हम रिएक्टिव ना हो बल्कि प्रोएक्टिव हो, है ना, पहले से प्लान करने वाले हों। स्टेप नंबर वन जो है, जो अपनी खुद एवेल्यूएशन का है, और वो ये है कि मैंने खुद अपने अंदर मौजूद खूबियाँ और खामियाँ दोनों को आइडेंटिफाई करना है। ये मत समझिए कि आपके अंदर सिर्फ खामियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि बाद दफ़ा कुछ लोगों को बताना ही नहीं आता कि उनके अंदर कुछ खूबियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ लोग अपनी खूबियों पर इतने नाजा होते हैं कि उनका ख्याल ही नहीं जाता कि वो सोचें कि कुछ खामियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं।
सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस जिसमें मैंने और आपने अपने आप से ऑथेंटिक और ऑनेस्ट होना है और ये भी लिखना है, ठीक है. तो अभी हम थोड़ा सा अनदर वन मिनट एंड अ हाफ टॉप ऑफ द माइंड क्या चीजें हैं जो मुझे बॉदर करती हैं अपने बारे में, मैं परेशान हूँ. लेट्स फोकस अ लिटिल बिट ऑन खामियां फर्स्ट बिकॉज खूबियां भी, लेकिन लेट्स डू इट एज अ होमवर्क इंशाल्लाह. लेकिन लेट्स ट्राई टू जॉट डाउन क्या चीजें हैं जिनसे मैं बहुत ही परेशान हूँ, खुद ही अपने आप से परेशान हूँ. सो लेट्स टेक अ मिनट एंड लेट्स ट्राई टू जॉट डाउन इंशाल्लाह. ठीक है, राइट डाउन कीजिए कि आपको क्या लगता है, वैसे ही छुपा के जैसे उस्तादा कह रही थी कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या कमी है जो आपको अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करने में उसका हिंड्रेंस है, उसमें एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करिए. नहीं कर पा रहे जो कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे. क्या वो सुस्ती है, क्या वो बहुत ज्यादा जज्बातियत है, क्या वो आई डोंट नो समथिंग यू नो जो आप समझते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सोचते हैं, एटलीस्ट माइंड को प्रिपेयर करते हैं इस चीज के ऊपर कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या चीजें हैं, वो आदत जो मुझे अपने आप में अच्छी नहीं लगती. सो लेट्स टेक अ मिनट इंशाल्लाह ताला एंड लेट्स जॉट इट डाउन. क्या ख्याल है, इनफ जमा हो गई है? जी जी, इट्स अ गुड थिंग टू हैव सेल्फ क्रिटिसिज्म, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स हेल्दी. जस्ट वी मेक श्योर करना होता है कि आप इतनी उस एक्सट्रीम पे ना चले जाएं कि अब आप अपने आप से मायूस हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि अल्लाह ताला हम पे कभी गिव अप नहीं करते. क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हान ताला, لا تقنطوا من رحمت الله. Allah سبحانه وتعالى has not given up us. Why are we doing that? ये शैतान हमें वसवसे डलाता है क्योंकि वो मायूस हुआ था, इबलीस है ना, वो मायूस हुआ था तो क्या चाहता है, हम भी अपने आप को बस लॉस्ट केस समझें. क्योंकि हम ऐसी बातें करते हैं, अब तो मैं 40 की हो गई हूँ, अब क्या आदत बदलना, अब तो जिंदगी गुजार ली है, अब क्या होगा, यानी अब तो बुढ़ापे के आसार हैं, अब क्या करने, फायदा ही क्या है करने का. नहीं, ये कुछ नहीं सोच रहा. ये जितनी जो नेगेटिव चीजें हम कहते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, कुछ नहीं काम धरने और खुद से तो बिल्कुल भी नहीं कहना ये सारी बातें. इंशाल्लाह वी विल ऑल रिमेन पॉजिटिव. सो लेट्स लुक एट जो स्टेप नंबर 2 है, विच माइट बी अ लिटिल बिट हार्ड, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन ऑल गुड स्पिरिट्स वी विल मेक श्योर कि हम इस चीज को जरूर नोट डाउन करें और घर जाके वाकई पूछें सबसे जो करीबी आपकी न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें अब आपने जाना है उसमें कौन से अफराद हैं, और उनसे पूछिए ऑनेस्टली कि बिल्कुल मैं आपको इजाजत दे रही हूँ खुली क्या आप मुझे बताइए. और कुछ का हो सकता है मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता ही हो कि उनको हमारी कौन सी आदतें अच्छी नहीं लगती, लेकिन लेट्स आस्क देम ओपनली ट्रांसपेरेंसी के साथ कि आप बताइए कि आपको क्या चीज़ है जो मेरी बॉदर करती है, ये क्या चीज़ है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या क्या चीज़ है जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. एंड इंशाल्लाह ताला जब फीडबैक मिलेगा तो लेट्स टेक इट इन गुड स्पिरिट्स एंड लेट्स ट्राई टू यू नो. और इसमें जैसे उस्तादा ने कहा कि हो सकता है कुछ बातें ठीक ना हो, तो हम सबको पता है कि कहाँ पे हम वाकई एर करते हैं और कहाँ पे नहीं करते. वो कौन सी आयत है कि वलो अलका माजीरा से पहले वाली आयत में भूल रही हूँ. यस, तो वो हम सबको पता है कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो उस चीज में घबराना नहीं है, वो कोई बहुत ही अनरीजनेबल बात कह रहे हैं. जस्ट लेट्स टेक इट इजी एंड लेट्स मूव इट फॉरवर्ड. लेकिन अगर कोई वाकई बात कर रहे हैं जो कि सही है और जो हमें पता है हमारे अंदर है, we are not going to pass it, we are going to actually write it down and think about it. aksar maao ka masla hai. ji
आपने ऐसे कह दिया हाँ. आप उसे सॉरी तो करें. हमने कहा अच्छा मैंने नहीं बुरी बात की. नहीं नहीं मैंने बुरी बात नहीं की है जी. डिफेंसिव हो जाते हैं. हाँ माना नहीं मैंने लेकिन उसे सॉरी कर दिया. फिर बाद में सोचने लगी कि रियली उसने अगर ये सोचा कि ये बात बुरी है तो यकीनन बुरी होगी. फिर भी मैं नहीं मान रही हूँ कि मैंने बुरा किया. बस अल्लाह हिदायत दे दे. सच्ची बात जैसे उस्तादा ने पिछली दफा कहा था ना कि अल्लाह ताला या अक्सर कहती हूँ उस्तादा इस बात को कि अल्लाह ताला हमें हमारी गलतियाँ दिखा दे. इस चीज़ की वाकई हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ ज़र्फ बिकॉज मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ दूसरों में ऐप तलाश करना बहुत आसान काम है. अपने अंदर ऐप तलाश करना और उसको एक्सेप्ट करना ये वाकई आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है क्योंकि उसकी वर्सेस इबलीस है जिसने अपनी उसको किसी और को ब्लेम किया था और दूसरों पे ही सारा जिम्मेदारी डाली थी. एंड कभी कभी मैं ये सोचती हूँ और हो सकता है आप भी ये सोचते हो कि आप देखिए कि दुनिया में जब लोगों की लोगों से नहीं बनती तो वालिदैन औलाद तक को आख कर देते हैं. बहुत अच्छे चाहने वाले कपल्स के दरमियान जब नहीं होते क्या कहते हैं उसको कंपैटिबिलिटी डिवोर्स कर देते हैं. दूर हो जाते हैं एक दूसरे. आपको दोस्त पसंद नहीं होते आप उनसे बहुत दूर हो जाते हैं. लेकिन आप अपने आप को कभी डिवोर्स कर सकते हैं? मैं अपने नफ्स के साथ अंदर ही हूँ उसने कहीं नहीं जाना लेकिन क्या मैं इतनी ब्रेवरी से उसके बारे में फिगर आउट करूंगी ये मेरे अंदर धब्बे हैं ये मेरे अंदर खामियां हैं ये मेरे अंदर बुरी चीजें हैं. जब तक हम उनको देखने की हिम्मत नहीं करेंगे तो चेंज कैसे ला सकते हैं. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ यानी कि इसमें हिम्मत चाहिए होती है. मुश्किल है. उस्ताद ने कहा ना पहाड़ वाली बात तो नहीं है लेकिन वैसी आ जाती है यानी कि इट इज़ डिफिकल्ट. लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी नफ्स को उससे ज़्यादा वो नहीं आजमाया. और तस्किया करना जब हम इंशाल्लाह उसकी अहद करेंगे और उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो ये काम ज़रूर आसान होगा. तो इंशाल्लाह इस स्पिरिट में हम करें ताकि हम अल्लाह ताला को वो दें जो कि सबसे बेहतरीन है. सिस्टर आसिया अब मैं सोच रही थी कि ये जो स्टेप टू है ना इसको करने के भी मुख्तलिफ तरीके होंगे. हर शख्स अपनी फैमिली के फीडबैक के लिहाज से देखे कि क्या आप ले सकते हैं ना क्योंकि जाहिर है ये सब एक तरह से कांटे हैं क्योंकि हमारी जो इमीडिएट फैमिली वो तो हमारी बिल्कुल रियल सेल्फ को जानती है ना. जो हम नहीं देखना चाहते वो भी जानती है. तो इट कैन प्रिक यू इट कैन हर्ट यू एंड इट कैन एक्चुअली बिकम एन एक्सप्लोजन. तो लिहाजा यानी कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अगर सामने से बहुत ज्यादा इस तरह की चीज आने का अंदाजा है तो उनसे सिर्फ लिख के ले लें. उनको कहें बस ये प्यारा सा नोट है इस पे लिख दें चुप करके मैं बाद में पढ़ लूंगी. कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट आते आते मामलात उस दिन के वेदर ऊंच नीच हो जाए ना. तो यानी एवरीवन कैन बी डिफरेंट और हर एक की फैमिली फर्क है ना. जैसे बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं उनका फीडबैक अकॉर्डिंगली आपको बहुत बुरी तरह हर्ट कर सकता है इवन इफ इट इज रियल. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ वी डू दिस. या एंड आई रियली अप्रिशिएट सिस्टर आसिया का फीडबैक एंड दैट्स वेरी ट्रू कि वाकई में अगर आपको और मुझे लगता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वाकई ऐसा लगता है कि समटाइम नहीं कर पाएंगे तो फिर लिखवा लें और उनसे रिटन फॉर्म में ऑल्टरनेट तलाश करें अपने आप को भी पहचाने कि क्या मैं ले सकती हूँ इस स्टेज पे और कितना हद तक बर्दाश्त कर सकती हूँ. एंड टेक इट इन स्टेप्स टू लाइक इट डजंट हैव टू बी जस्ट वन सिटिंग बॉयल. एग्जैक्टली सलमान जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं मेरे साथ ना मेरी बेटी की फैमिली साथ रहती है उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे उनको कुछ कुछ कहना भी पड़ता है बच्चों को ना. तो अगर मैं उसके हाथ में लिस्ट दूंगी वो तो बहुत लंबी लिस्ट बना के दे देगी मम्मी आप ये भी करती आप बच्चों को इस तरह तंग करती. और उसके अलावा जब वो कोई मेहमान वगैरह आते हैं दो चार फैमिली को बुला रही सारा अरेंज खुद ही करती है. सारी बहनें मिलकर खुद ही वन डिश लेकर आ जाती हैं खुद ही करने मुझे कुछ नहीं करना पड़ता. इसलिए मैं हर वीकेंड पे यहाँ पे भी आ भी जाती हूँ इसलिए मुझे कुछ घर में करना नहीं है. तो लेकिन एक दो दिन पहले मुझसे कहते हैं कि सारा हम उस फैमिली को बुला लेते हैं ना इतने लोग आ रहे हैं चलो एक दो फैमिली और भी निबट सकती हैं. तो कहती मम्मी आप लास्ट मिनट पे क्यों कहती हूँ ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है और मुझे पता है कि बात उसे पसंद नहीं आएगी. लेकिन फिर मैं कह देती हूँ कि शायद एक फैमिली को बीच में क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि चार लोगों का खाना आठ लोग खा सकते हैं डबल हो जाता है खाना खाने में कोई कमी नहीं आती और बरकत हो जाती है. लेकिन उसको ये बात मिली बिल्कुल पसंद नहीं आती आप लास्ट मिनट पर क्यों कह रही हो. बिल्कुल तबीयतों का भाई तबीयतों का फर्क होता है और उसी के अतराफ हमने कैसे वर्क करना है इंशाल्लाह ताला. दिस इज दी टेस्ट. कुछ वर्ड्स जो यूज हुए थे ओ सिस्टर शमशाद जी प्लीज गो अहेड. जी एक दफा ऐसे ही हम फैमिली बैठे हुए थे जिसमें देवरानियां जिठानियां नंदे सब थी. तो सब ने हमने सोचा कि हम एक दूसरे को कहा कि जो भी जिसमें कोई खामी है ना तो वो शेयर करें कि किसमें क्या खामी है. अभी पहली खामी बस बताई थी कि आप में गुस्सा है तो गुस्सा तो सब में होता है
वो वहीं पे वो डिफेंस फिर आगे बात ही खत्म होगी कि अभी एक ही बात हुई है तो यानी ऐसे हो गया तो ये बेहतर है कि किसी और तरीके से बताई जाए तो ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी समीना और मोना मुझे इस सलमा की बात से याद एक बात और माइंड आ रही है कि क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को ना अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं जैसे मुझे याद है कि मैं अपने अब्बू के साथ हमेशा बहस करती थी कि ये ऐसा नहीं है और उनको होता था कि नहीं ऐसा हो सकता है तो मैं देखती हूँ कि लाशौरी तौर पर अब अपनी जिंदगी में मैं वही चीज करती हूँ जो कि मेरे अब्बू मुझे कहते थे तो वाकई ये चीजें जो है वो ट्रांसफर होती हैं उस वक्त बच्चे अभी मेरी अपनी भी बेटी वही काम जिससे मैं मना करती हूँ लेकिन कहीं मैं इधर उधर होती हूँ या मैं नहीं होती हूँ घर में वो वही काम कर रही होती तो वही बात है कि हम कहते रहते हैं और बात जो है वो असर जरूर होता है उसका कहीं ना लेकिन वो नजर जो है उसका वो काफी अर्से बाद वो चीज आती है एक चीज मेरे जहन में आ रही थी कि बाज दफा ऐसा होता है ना कि बाज दफा के अक्सर ही बल्कि किसी बीइंग मदर्स बीइंग वाइव्स हमारा कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग रोल जो है घर के अंदर होता जरूर है तो उसमें क्या होता है कि कभी अगर हम पूछने की कोशिश भी करें ना हस्बैंड से या बच्चों से या और दीगर फैमिली मेंबर्स से तो आगे से जवाब मिलता है नो यू आर ऑलवेज राइट यू कैन नॉट बी रॉन्ग तो एक आपके इस स्टेप टू से मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि क्यों ना हम खुद ही अपना एक क्वेश्चनेयर इस तरह का बना लें और जस्ट लाइक काइंड ऑफ एन एनोनिमस सर्वे उसको टाइप कर लें और चेक बॉक्सेस लगा दें आगे और वो उसके आगे फिर या तो चेक कर दें या उसको क्रॉस कर दें तो वो किसी को भी पता नहीं होगा कि किसने क्या राय दी तो इट विल बी लाइक टोटली आसानी हो जाएगी सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं हम सबके लिए तो करने का काम यह है कि करना है हम सबको ये तरीका हम कोई भी इख्तियार करें एंड करना किस तरह से है कुछ टर्म्स जो यूज हुए थे उसमें एक है मुहासबा एंड अदर वन इज मुजाहदा और ये क्या चीजें हैं कि अपना हिसाब खुद करना है क्योंकि एक दिन तो हिसाब देना ही है ना और फिर मुजाहदा यानी कि कोशिश करनी ये जो इतनी सारी बातें हो रही है ना कि आदतें चेंज करना और उस्ताद ने भी इसके लिए हमारा मेंटली नो प्रिपेयर हमको किया कि इट विल बी हार्ड इट वोंट बी इजी क्योंकि एक चीज हम इतने अरसे से करने के आदी होते हैं अगर हमें वो कहे कि वो चेंज करना है तो फिर इट विल बी हार्ड लेकिन मुझे सुभान अल्लाह हम ये बात कर रहे थे तो वो वाली आयत याद आ रही थी जो कि सूरह अनकबूत में आती है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना कि वो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में एफर्ट करेंगे है ना और अल्लाह ताला हमें छोड़ देंगे नहीं वो हमें मल्टीपल वे सिखाए जाएंगे बताए जाएंगे हमारे लिए राहें रोशन होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की खातिर कुछ करने जाएँ और अल्लाह की मदद ना आए तो हमेशा अपना जो डायरेक्शन है ना वो हम सबको क्लियर और बिल्कुल अल्लाह ताला से कनेक्टेड रखनी है कि हमने उस चीज़ के ऊपर जम के रहना है और यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग के हवाले से एक और एस्पेक्ट है कि हम अपने अगेन 3 कॉलम्स अपने पास बना सकते हैं हमने आदतों को देख रहे थे कि हैबिट्स जो मैं अपने अंदर लाना चाहती हूँ अच्छी मेरे अंदर अभी मौना ने कहा ना कि हम जो है वो क्वेश्चंस बना लें और उस पर सिर्फ टिक मार्क करना क्योंकि बाज़ोकत अल्फाज वाकई हमें हर्ट करते हैं हमारे बच्चों के हों या हमारे शौहर के वो अल्फाज हमारे दिल में रह जाते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने हमें ये कहा था लेकिन वाकई अगर उसको सिर्फ एक मार्क लगा हुआ हो तो वो जो उसका एक लेवल कम होगा तकलीफ का वही अगेन हर एक का थ्रेश होल्ड कहाँ पे है लेने का और देने का ये सब ने अपना अपना पहचान के काम करना है तो अगेन यानी मेरे अंदर अच्छी खूबियाँ क्या हैं अच्छी आदतें कौन सी हैं और यकीनन कुछ बुरी आदतें कौन सी हैं वो खुद भी हम एनालाइज करेंगे और दूसरों से भी पूछेंगे इंशाल्लाह एंड देन दिस बिकम्स अ जर्नी जिसमें हम सब टुगेदर हैं रिमेंबर माहौल को चेंज करना माहौल हम पे इम्पैक्ट करता है और माहौल के हवाले से उस्ताज़ा ने एक बात कही थी और वो क्या थी रंग चढ़ जाता है आपको कभी ये आयत उस कॉन्टेक्स्ट में याद आती है कौन सी आयत है ये कहाँ आती है सूरह बकरा में शायद पहले सिफारे के आखिरी पेज पे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सिबगतुल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा रंग चढ़ाने जा रहे हैं हम सब अल्लाह ताला का अपने ऊपर ये कोशिश है मेरी और आपकी और किसी तालीम कुरान ग्रेजुएट को ये याद है कि सिबगा रंग के लिए इस्तेमाल होता है और कौन सा वर्ड कुरान में रंग के लिए आता है और सिबगा और उस वर्ड में जी सिस्टर शमशाद जज़ाकल्लाह लौन और सिबगा में क्या फ़र्क है
क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों रंग हैं, यानी मुतरादिफात है ना, एक दूसरे के इंटरचेंजेबल ही आ रहे हैं, जैसे फौज भी कामयाबी के लिए, फला भी कामयाबी के लिए, बट ऑफ कोर्स वी नो कि दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों में क्या फर्क है, याद है कुछ? हाँ सिस्टर आसिया कह रही है जो लौन है वो नेचुरल कलर है, फूलों का जैसे सुर्ख गुलाब का सुर्ख ही रंग है, आसमान का वही हल्का नीला रंग जैसे देखते हैं, पत्तों का सब्ज ही रंग है, लेकिन जो सबगा होता है ना वो रंग काट के नया रंग चढ़ाना पड़ता है, वो डाई करके अपने ऊपर, पहले क्या होता है आपको याद होगा तफसीर कि उस्ताद ने क्या बताया था कि रंग काट डाला जाता है, सो लेट्स से कि ग्रीन रंग है उस कपड़े का, तो उसको काट के पहले वाइट बनाया जाता है, फिर उस पर लेट्स से कि पिंक रंग चढ़ाया जाता है, आपको लगता है उसमें कोई एफर्ट या तकलीफ के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? सो दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन एट दी एंड द रिजल्ट इज सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, और इंशाल्लाह दिस इज़ व्हाट दी ऑलवेज ऑलवेज हम सबको अपने जहन में बहुत क्लियर गोल्स रखने कि हमने अल्लाह ताला की खातिर ये कर रहे हैं, अल्लाह को देनी है ये ज़िंदगी, अल्लाह ताला के लिए ये अच्छी जो मेहनतें कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला की इबादत के लिए। एंड अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये काम करना है, खौल नहीं चढ़ाना, अपने आप से सच्चा होना, लेट्स नॉट डिसीव आवरसेल्व्स, लेट्स बी वेरी ओपन, और इसीलिए अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो लेट्स हैव अ बिग हार्ट टू हैव अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए ये ग्रुप टाइम है, ग्रुप टाइम में क्या होगा कि आपकी टीएज आपको अपना सिलसिला बताएंगी कि लास्ट वीक जो होमवर्क था उन्होंने क्या किया, और उनकी मेरे साथ अकाउंटेबिलिटी है, मेरी उनके साथ अकाउंटेबिलिटी है, और आप उनको बताएंगे कि क्या काम हो सका और क्या नहीं, जो हो गया बहुत अच्छे, और जो नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उसको छुपाना या उसके बारे में इतना पश्चिमान नहीं होना, ठीक है हो गया, लेकिन अब उस पर मूव ऑन कैसे करना है, जब तक हमारी और आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना हम आगे फॉरवर्ड मूव कर नहीं सकते, तो इस वजह से ये इस चीज को रियलाइज करना है, एंड देन मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और अल्लाह ताला की इज़्ज़त से तो कोई चीज ही इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ थिंग कि आप अपने जहन में थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जाएं और शैतान आपको छोड़ दे, ऐसे तो हालात नहीं है, वो तो ऐसा नहीं करेगा, और आपका नफ्स भी कोई बुरी बातें आपको यू ना सुझाए, सम ऑफ द थिंग्स हम इससे पहले ही देख चुके हैं, लेकिन कोई भी चीज जो आपके जहन में आए कि ये नहीं हो सकता, उसके हवाले से अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अगर मुझे ये थॉट आ रही है, मिसाल के तौर पर मेरी तो जेनेटिक्स में ही है, मेरे खानदान में ऐसा ही होते आए, हम सब गुसील हैं, ये नहीं होगा चेंज, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा हम ऐसे जस्टिफाई कर लेते हैं ना कोई चीज, या फिर अब तो मेरी मैं 40-50 की हो गई हूँ, अब तो जो है आदतें पक्की हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं सब कुछ हो सकता है। एनएसएस में मैं हमेशा याद करती हूँ, अपने आप को भी रिमाइंड करती हूँ, आप लोगों को भी, थिंक अबाउट नबी सल्लम, बताइए नबी सल्लम को वही कब मिली थी, 40 साल की उम्र में मिली थी, सहाबा कराम की जो मेजोरिटी है, यस वी डिड हैव यंगर कंपेनियंस बट अ लॉट ऑफ कंपेनियंस केम इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम 30s 40s 50s, अबू बकर अदरानो के वालिद जो थे वो तो कितनी एज के थे, बहुत सीनियर थे, तो अगर वो चेंज कर सकते हैं और अब्रप्ट चेंज ला सकते हैं, उन्होंने तो माहौल नहीं देखा था इस्लामी घरों का, जो हम लोगों को एक बेनिफिट हासिल है, उनके लिए चेंज अब्रप्ट था, यस ग्रेजुअल अहकाम आए थे, यस पर उनको चेंज लाना था और उन्होंने करके दिखाया टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। तो हमारे रोल मॉडल्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, सहाबियात, वो कर सकती हैं, हम भी कर सकते हैं, और नहीं तो उनके फॉलोअर उनके फुटस्टेप्स में तो चलेंगे, जैसे कि वो आयत में आता है ना सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में कि वस्साबिकून अल अव्वलून, जो कि मुहाजिरीन में से अंसार में से और जो उनका एहसान के साथ इत्तबा करने वाले हैं, हम उनमें नहीं है लेकिन हम उनका इत्तबा जरूर करना चाहेंगे, हम उनके फुटस्टेप्स में जरूर चलना चाहेंगे, तो कोई चीज हमें बैक ऑफ ना करने पाए, ना हमारा नफ्स कोई वसवसे अपनी नेगेटिव थिंग्स हमें सुझाए, ना शैतान की चीजों में हम गिव इन करें, बल्कि वी आर अपबीट अबाउट इट। एंड रिमेंबर ये छोटे छोटे की पॉइंट्स की कंसिस्टेंसी से काम करना है। नंबर 2, अल्टरनेटिव तलाश करना है। अच्छा आज पेप्सी अगर नहीं पीनी तो उसके बदले में क्या पीना है, अगर आज जो है कुछ और नहीं करना तो उसके बदले में उसको रिप्लेस करना, क्योंकि रिमेंबर खाली जगह फिलअप हो जाएगी, अगर मैं यू नो आज कुकी नहीं खाऊंगी, हो सकता है आपकी भी कमजोरी हो ये मीठे में, तो मैंने अपने लिए अल्टरनेटेड क्या सोचा, बिकॉज आई नीड समथिंग है ना, उस चीज को कैसे मैंने करना है, तो ऑलवेज हैव अल्टरनेट्स। नंबर 3, स्टे पॉजिटिव। अपने आप से ये कहना ही नहीं है, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, ऐसी बातें नहीं करनी, अपने आप से कह मैं ये कर लूंगी, अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला की मदद से मैं ये जरूर कर लूंगी,
मैं ये इस टाइम पे जरूर अचीव करूंगी, अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक्स दें, अपने आप को अच्छी बातें कहें, नेगेटिव बातें नहीं कहें, बुरी बुरी बातें नहीं कहें, अपने आप को ऐसे रॉन्गफुली क्रिटिसाइज ना करें, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, नहीं, क्योंकि शैतान ये डालता है ख्यालात, हमने नहीं सोचना। अल्लाह ताला हमारे बारे में होपफुल है कि हम बेटर, इसीलिए तो हमें चांस मिली हुई, जिंदगी मिली हुई है कि कीप इम्प्रूविंग, राइट। तो हमने अपने बारे में पॉजिटिव रहना, फिर ये कि रियलाइज करना है बेबी स्टेप्स, एक जस्ट में जो है दो मंजिलें नहीं फलांग लेनी है, बेबी स्टेप्स, इट्स गोना कम इन स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है आपने इरादा किया कि आज आप ये नहीं करेंगे, लेकिन आपसे हो गया, तो आप थोड़ा थोड़ा गोल सेट करेंगे हम सब कि अच्छा मैंने बेबी स्टेप्स में कैसे ये काम करना है। एंड लास्टली, अगर मैंने कोई काम डिसाइड किया था, लेट्स से कि मैं अपनी नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ूंगी, लेकिन कोई चीज की वजह से वो डिले हुई, तो उसको नोट डाउन करना है कि क्या बैरियर था, व्हाट वाज इट, नेक्स्ट टाइम के लिए उससे खबरदार रहना और फिर उसके बारे में अलर्ट रहना इंशाल्लाह ताला। एंड दीज आर जस्ट वेरी, आपका होमवर्क ये इतना लंबा लग रहा है, लेकिन दीज आर जस्ट पॉइंट्स जो कि लेक्चर में मेंशन हुए हैं, जस्ट सो आपको एक थिंकिंग डायरेक्शन मिल जाए कि किन चीज़ों में आपने काम करना है या क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको आपने, जिन पे गौर करना है। एंड डेफिनेटली दे'ल आल्सो बी शेयर्ड इन योर ग्रुप्स, ताकि आप इसको फिर आराम से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। याद रखने की बात यह है कि टारगेट सामने क्लियर होने हैं और डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी, और हम इस दुआ के साथ एंड करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत की खातिर हमसे ये काम करवा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका अहब्बल अशिया इलैया वजअल खौफका अखवफल अशिया इलैया वक्ता अन्नी हाजात दुनिया बिशौकी इला लिकाइक वइदा अक़ररता अयुना अहलि दुनिया मिन दुनियाहुम فأقرر عيني من عبادتك آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد